So, good morning to all. This is first class about the syphilitic rubric. Okay. Do you understand what is a rubric? Okay. Rubric is a language, concise, compromised language of the patient. Okay. Which is in the form of symptoms recorded in repertory. So, जो भी patient अपने सिम्टम्स को बोलता है, चाहे वो मेंटली या फिजिकली या पैथोलॉजिकली, चाहे उसके कहने से या हमारे सुनने से या हमारे ऑब्जर्वेशन से, हम उसके सिम्टम्स को किस तरह इंटरप्रेटेट करते हैं उसी को हम बोलते हैं रूब्रिक, है ना। रिपर्टरी में जो रूब्रिक लिखे हैं वो रूब्रिक अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, बट उन रूब्रिक्स को रूब्रिक ऐसे हैं, आप समझ लो जैसे कि ऑर्गेनन को इंस्ट्रूमेंट बोला है हैनीमैन ने, है ना, होम्योपैथ के लिए। ऐसे ही रूब्रिक जो है रिपर्टरी के अंदर वो छोटे छोटे टूल्स हैं। किसी मशीन को खोलना है तो हमको कौन से नंबर का उसके अंदर क्या टूल लगेगा, इसके लिए हमको पहले से नॉलेज होना जरूरी है। या जिसको हम बोलते हैं एक जजमेंट, है ना, कि स्क्रू का साइज 5 सेंटीमीटर का है तो हमको टूल्स कितने सेंटीमीटर का यूज करना है, ठीक है। इस तरह से तो वो जजमेंट, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, वो सब जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली जैसे कि हर डिसीज पैथोलॉजी के 3 मायजम है, सोरिक, साइकोसिस और सिफिलिस। एवरी मेडिसिन ऑल्सो हैविंग 3 फेज, सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, ठीक है। बट किसी भी मटेरिया मेडिका को जब हम पढ़ते हैं या किसी भी रिपर्टरी को हम जब पढ़ते हैं या उसके रूब्रिक्स को समझते हैं तो वह रूब्रिक जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना। वहां पे हमको मायजम का डिफ्रेंशिएशन समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम किसी भी मेडिसिन को पढ़ेंगे, सल्फर फॉर एग्जाम्पल, हम वहाँ पढ़ रहे रेडनेस, नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहे ब्लीडिंग, फिर हम पढ़ रहे पस फॉर्मेशन, फिर हम पढ़ रहे कि सिस्ट, ओके, या एनी ट्यूमर। सो वहां पे सिम्टम्स का कोई ग्रेडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमको नॉलेज, अपने नॉलेज से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब रेडनेस इचिंग की बात है तो हम सल्फर के सोरिक फेस को पढ़ रहे हैं, जब ट्यूमर्स और ग्रोथ रिलेटेड चीजें हैं तो हम उसके साइकोटिक पार्ट को डील कर रहे हैं, और जब हेमरेज, ब्लीडिंग, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तो हम उसके सेफलेटिक चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे रूब्रिक्स हैं, रूब्रिक्स और ऑल्सो सोरिक, साइकोटिक एंड सेफलेटिक, जिसमें हम सेफलेटिक रूब्रिक को डील कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर आप देखो कि टाइप ऑफ रूब्रिक्स, है ना, बहुत सारे टाइप के रूब्रिक्स होते हैं। इनको हम डिटेल में, यदि क्लास कंटिन्यू रहती है तो हम सारा रूब्रिक का सेक्शन कवर करेंगे। फर्स्ट हम कुछ रूब्रिक्स देखते हैं विच आर नेचुरल, ओके। नेचुरल मीन्स दे आर द नेचुरल मेंटल्स, अनडिसीज्ड रूब्रिक, जिनको क्या बोला जा सकता है, अनडिसीज्ड रूब्रिक, ओके। अनडिसीज्ड रूब्रिक क्या होता है, जहां पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अनडिसीज्ड, नेचुरल। व्हाट इज नेचुरल? फॉर एग्जांपल, समवन इज टिमिड इन नेचर, ओके, अफेक्शनेट, ओके, करेजियस, सो दिस इज अ नेचुरल ट्रेट्स ऑफ हिज जेनेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह के रूब्रिक्स को हम बोलते हैं नेचुरल रूब्रिक, है ना। हम यहाँ टाइप ऑफ रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं, सो दीज आर द नेचुरल रूब्रिक्स। ऐसी बहुत सारी चीजें जो सामान्यतः लोगों में पाई जाती है जब वो हेल्दी होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल रूब्रिक या अनडिसीज्ड मेंटल कैरेक्टर, ठीक। एक और कैटेगरी होती है डिसीज्ड, और यू कैन से अल्टर्ड मेंटल स्टेट, ओके।
Such type of rubric mostly we see associated with some pathology, okay, like claustrophobia, okay, any type of phobia, fear of height, okay, बहुत तरह के disease rubric है. Suppose delusions, okay. कोई पेशेंट किसी सीवियर पैथोलॉजी के अंदर है एंड ही हैविंग सम डिल्यूजन, सो डिलीरियम, ओके, डिल्यूजन, हियरिंग वॉइसेस, तो ये अल्टर्ड मेंटल रूब्रिक है जो नेचुरली उसमें नहीं थे. क्लियर वॉयंस है ना, मतलब ये माइंड की वो स्टेज है जो नेचुरली उसमें नहीं थी, बट आफ्टर और विद सम डिसीज ये हमें देखने को मिलता. ओके, हम यदि रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो हम चीजों को समझ पाएंगे. इमोशंस है ना, मैंने रूब्रिक इन रेपर्टरी आर रिलेटेड डायरेक्टली विद इमोशंस लाइक वीपिंग, ओके, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, सो दीज आर रिलेटेड विद द इमोशंस. बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, है ना, बट हम सिर्फ अभी कैटेगराइज देख रहे हैं. हम सिफिलिटिक को डील करेंगे बट हमें ये पता होना चाहिए और किस तरह के रूब्रिक्स होते हैं. विल रिलेटेड रूब्रिक्स है ना, वो सारे रूब्रिक्स इस पार्ट को कवर करते हैं जहां हमें पेशेंट की विल समझ आती है, लाइक ऑडेसिटी, करेज, बोल्ड, रिवेंज, एनार्किस्ट है ना, जहां आदमी बदला लेता है, जहां ये बता रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग विल है, ओके, डिसीजन मेकिंग. वही विल नेगेटिव भी होती है, होपलेस, हेल्पलेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी, बैशफुल, तो ये सब रूब्रिक वो हैं जो ये बताते हैं कि देर आर मेनी नेगेटिव विल रूब्रिक. ओके, आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हो. रूब्रिक एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर केस टेकिंग. व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड एंड लर्न द रूब्रिक. ओके, रूब्रिक एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर केस टेकिंग टू गिव क्लियर पिक्चर ऑफ द मेन इन डिसीज. ओके, हमने देखा ना, जब तक हमको रूब्रिक्स नहीं पता होंगे तब तक हम कैसे किसी केस को डील करेंगे. फॉर एग्जाम्पल है ना, इफ वी सी जस्ट द प्रीवियस स्लाइड वेयर कैटेगराइज इमोशंस रूब्रिक है ना, तो इमोशन रिलेटेड रूब्रिक आपको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो सारी डिसीज जहाँ फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ आपको इमोशन कंसिडर करना है. जहाँ पर पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, सिफिलिटिक ग्रेड की डिसीज चल रही है, देर इज अ नो इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस, तो आप उन केसेस में वीपिंग है ना, कंसोलेशन, एग्रावेशन और एंगर, इन सब को आप कंसीडर नहीं करेंगे. बिकॉज समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो आप उसका एंगर लेके क्या करोगे, आ रहे समझ में? तो यहाँ तो या तो आप उसके नेचुरल ट्रेट्स लें या डिसीज्ड वाले लें या उसके विल को जो शो करता है ना, उस तरह के जो उसके जेनेटिक्स को डील करें, आपको उस पार्ट को कंसिडर करना है. सो जैसे गैंग्रीन हो गया आपका, नेक्रोसिस हो गया, कहीं भी इस तरह का सिफिलिटिक म्यूटेशन वाले केसेस हैं, तो आपको उन केसेस में इमोशन को कंसिडर नहीं करना. अदरवाइज क्या होगा, इफ यू टेक द इमोशन, द मेडिसिन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, ओके, विल इम्प्रूव हिज जनरल सिम्टम्स लाइक स्लीप, फूड हैबिट, ओके, बट देयर इज नो रिवर्सल ऑफ पैथोलॉजी. पैथोलॉजी रिवर्स नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, डॉक्टर मुझे अच्छा लग रहा है और आपका घाव या आपका गैंग्रीन वो बढ़ रहा है, या आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कोई रुक नहीं रहे, रिवर्स नहीं हो रहे है ना, बट पेशेंट बोलेगा मेरे बाउल्स मूवमेंट अच्छे हैं, मेरी नींद अच्छी है. तो हम इस तरह के केसेस में, तो जब भी हम कहीं इंटरनल ट्यूमर, लिम्फ और ये सब चीजों को देखते हैं, तो वी लेस फोकस ऑन स्लीप,
diet, energy level, है ना? Because we have to first consider the pathology. Pathology stop होगी तो वो danger zone में जाने से, तो ICU में किसी का emotion नहीं लेना, जाके और डॉक्टर सब बचा लो मुझे, अब मैं मर जाऊंगा. अरे he predict the time arsenic निकल ही जाएगा arsenic के बाद. So this ultimately will increase one's chance of reaching at the curative simulimum. Okay, that will show the Herring law of cure. So there are some syphilitic rubrics which are very important and helpful for your case taking. Okay, so first rubric is a abrupt. हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा है, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. ओके, सो एब्रप्ट, एब्रप्ट आप इस इमेज को देख के क्या समझ सकते हैं? देयर इज अ सडननेस. ओके, ऑन द एवरी मोमेंट देयर इज अ सरप्राइज कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना. नेक्स्ट, एब्रप्ट मेंटल स्टेट इज लाइक दिस पिक्चर, है ना, जहां पर साइन बोर्ड कहां पर लगा हुआ है और दो चीजों में गैप देखिए आप, वहां तक कार जा सकती है उस एज तक, और उसके बाद ओशियन आ रहा है सीधा या रिवर है जो भी है ना. सो कोई भी पर्सन जो एब्रप्ट है, तो एब्रप्ट रूब्रिक आप कब लोगे? जब उसके अंदर आपको ऐसी सडननेस फील हो. ठीक है, मींस कोई आया है हमारे यहाँ, है ना, अनजान है. सो हमें पता है कि नॉर्मली क्या होगा, हम उससे कुछ बात पूछेंगे, और अब यहाँ पे ऐसा एब्रप्टनेस क्या हो सकती है कि वो आए और सीधा आपके घर में घुस के बैठ जाए एंड ही फील वेरी कॉन्फिडेंटली और आप उसको पहचान भी नहीं पा रहे. समझ आ रहे? नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एब्रप्ट, इससे आप ज्यादा समझ पाएंगे. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपोजिट ऑफ एब्रप्ट, ग्रेजुअल, एक्सपेक्टेड. जो एब्रप्ट नहीं है, तो जिसमें ये चीजें नहीं है वो क्या है? एब्रप्ट, डेलिबरेट, काम, स्लो, पोलाइट, एक्सपेंसिव, लेजी, इजी. सो एब्रप्ट, नेक्स्ट लाइन, वन लैकिंग इन अ कंटिन्यूटी, हैविंग सडन ट्रांजिशन फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर. स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? Yes, sir. So one lacking in a continuity, having sudden transition from one subject to another. Okay. Means जब दो subject पे बात कर रहे हैं, so मतलब एक subject से वो continue नहीं कर पाएंगे, उनमें वो continuity नहीं है. Okay. If abruptness is अब every rubric having three myism. So, जैसा कई लोग बहुत curtly आंसर करते हैं, है ना, shortly आंसर करते हैं, एंड यू जस्ट सरप्राइज, यार उसने कैसे बोल दिया, इस बात को वो अच्छे से बोल सकता था. सो दिस इज एब्रप्टनेस, है ना, जैसे आप किसी सामान को उठा रहे हैं एंड ही जस्ट से नो. ओके, सो यू जस्ट सरप्राइज, वो आपको कह सकता था ये आपके काम का नहीं है, नहीं दिस इज माई प्राइवेट थिंग, बट उसने एकदम इस तरह से डिनाई किया कि वो अपने से जुड़ ही नहीं पाए. सो इस तरह हम एब्रप्ट रूब्रिक लेते हैं. बट जब ये एब्रप्टनेस, है ना, इफ एब्रप्टनेस इज अराइज आउट ऑफ नर्वसनेस और एंजाइटी, इट कैन बी सोरिक, लाइक इन अ क्लासरूम व्हेन टीचर आस्क यू समथिंग एंड यू जस्ट कांट कंसंट्रेट, और इस तरह की आपके साथ कोई चीज होती है अचानक से, है ना, जो आपके लिए भी सरप्राइज, तो दैट कुड बी कंसीडर्ड एज अ सोरिक. ठीक है, बट
ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ कंटिन्यूटी एट मेंटल लेवल, तो ये सिफिलिटिक ट्रेट है। किसी चीज को करके और अचानक आपके अंदर से कोई एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, कोई जवाब आता है, तो वो क्या है? Abruptness. Patient's expression, patient यहाँ कह सकते हैं, we cannot predict anything of about my son. He takes displeasure all of sudden. What causes him to do so? And it is impossible to detect beforehand. Means मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ predict नहीं कर सकता हूँ कि वो कैसे behave करेगा, वो क्या चीज से गुस्सा हो जाता है डॉक्टर साहब। ये छोटे बच्चों में भी आपको मिलेगा, डॉक्टर कुछ नहीं, अचानक इसको जो दिलाओ वो करो, फिर अचानक से ऐसे बिहेव करने लगता है, बदतमीजी, मतलब हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चाह रहा है। सो दिस इज, उसका कंट्रोल नहीं है चीजों पे। जैसा हो सकता है कि एक छोटा बच्चा घर में कोई मेहमान आया, वो अचानक से चीखने लगा, मारने लगा उसको, उस मेहमान को, और मेरे घर से जाओ, मेरे घर से जाओ। लैक ऑफ कंट्रोल ऑन mentals, okay, so this type of things are abrupt. ये rubric है mind chapter में आपको मिलेगा, abrupt है ना। इसमें 4 marks में medicine देखें तो acid foss, pulsatilla, tarantula veratrum and chamomilla. Most important is a chamomilla, okay. सपोज कोई बेड पर है, कोई बेड रिडन है और आप उसको देखने गए हैं पेशेंट को, और आपने कहा कि क्या हो रहा है, और वो जस्ट आपको अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज करना चालू कर दे, मिसबिहेव कर दे, द केमोमिला इज अ बेस्ट रेमेडी, ओके, फॉर सच अ एब्रप्टिव नेचर। देन देखो पल्सेटिला कितना माइल्ड, टिमिड, यील्डिंग डिस्पोजिशन उसके अंदर, अफेक्शन है, बट पल्सेटिला कैन बी अब्रप्ट, है ना। ये अब्रप्टनेस आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जगह मिलेगी, है ना। समटाइम्स योर मदर्स, है ना, आपकी मदर आपसे बहुत ठीक से बात नहीं करती, एकदम ऐसे कि आप सर पर, अरे क्या हो गया, हम तुम्हारे ही बच्चे, है ना। सो बट वो एक एंजाइटी, नर्वसनेस है ना, उस वजह से हो सकता है। तो वो रूब्रिक आपको मिलेगा, है ना, अब्रप्ट येट अफेक्शनेट, है ना। तो वो सोरिक है, उसके अंदर अफेक्शन है, फिर भी वो अब्रप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे, आपके सीट पे कोई और भी बैठता है और आपके दोस्त से आपको बुरा लग गया, तो अगले दिन आया तो आपने उसको बैठने ही नहीं दिया और वो आपको देख रहा है सदमे में, इसको क्या हो गया, है ना। सो उसको आप सोरिक भी कंसिडर कर सकते हो। और जब कोई ऐसे कंटिन्यू बिहेव करता है, बोलता है यार पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो वो एब्रप्टिव सिफिलिटिक है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। जब भी कोई लॉस ऑफ कंट्रोल की बात करता है तो वो सिफिलिस, ओके, एनाकार्डियम, कैल्केरिया, सिकुटा, हाइसाइमस, लेकेसिस, ओके, मेट्रल म्यूर, मेजराइनम, यहाँ पे बहुत सारी वो मेडिसिन भी है जो कन्वल्जन्स में काम आने वाली है, है ना, क्योंकि वो भी एक तरह का एक अब्रप्ट बिहेवियर है। अचानक से किसी को एपिलेप्सी हो गया, किसी भी रूब्रिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसी होगी तो। नेक्स्ट, है ना, अब्रप्ट माइंड मीन्स एनीथिंग, उसके कोई भी एक्शन, फिजिकल, मेंटल, कोई भी अब्रप्टिव हो सकता है। नेक्स्ट रूब्रिक है mind talk, talking talks abrupt, it is only related with the talk, जब वो अपनी talk में abruptly shows करता है, only two remedy, chamomilla and tarantula. तो ऐसे बच्चे जो इस तरह की बातें करते हैं, ये सब, this is a good remedy, okay. Is there any doubt? डॉक्टर फिरोज सर, क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट रूब्रिक वॉइस एंड स्पीच, ओके,
The last rubric is related with the talk, okay? The way of talking, okay? This is Boninghausen repertory. This is the voice and speech, hasty, abrupt, rapid, okay? This is more related with voice and speech. There are different section in repertory, different rubric. Some are related with the talk, some are related with speech, some are related with the voice. Okay, so humko ye samajhna hai. So here, speech hasty, rapid. So most of the drug remedies are here, like belladonna, aconite, hyoscyamus, cannabis sativa, nux vomica, opium, sternum. Most of the remedy related to the brain, having more sphere of action over the brain. Hyoscyamus, lachesis, moschus. Okay. So this is rubric abrupt yet affectionate. This is a soric rubric. जब कोई आपसे नाराज हो जाए और उस condition में ना abrupt यार वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है पर मनी में उसका affection है, ठीक है? जैसे आज वैलेंटाइन डे तो बहुत सारे एब्रप्ट येट अफेक्शनेट हो जाएंगे. सर ने भी आज क्लास रख ली, बताओ. आज मैं देखना चाहता हूँ कौन होम्योपैथी से सच में प्यार कर. मेरा शक यकीन में बदल गया. ऑरम म्यूर, लाइकोपोडियम, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका, पल्सेटिला इज अ हाई ग्रेड. सो ऑल द हस्बैंड ऑफ पल्सेटिला ना कंप्लेंट्स ऑलवेज, डॉक्टर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं. अरे डॉक्टर इसको हर बात पे गुस्सा आता है ना, तो क्या बहुत ज्यादा गुस्सा? नहीं नहीं, ऐसे तो मन की बहुत अच्छी है. सो मन की बहुत अच्छी, एब्रप्ट येट अफेक्शनेट. ओके, दिस इज अ सिफिलिटिक रूब्रिक. हार्ट एक्शन एब्रप्ट. ओके, उसके हार्ट की जो एक्टिविटी है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो उसका फंक्शन है, वो एब्रप्ट हो रहा है. ठीक है, मींस एक हार्ट के अंदर रेगुलर रिदम है, वो रिदम अचानक से कुछ और रिदम में चले जाए, उसका प्रॉपर क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे ये रूब्रिक आप यूज कर सकते हैं. और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि हार्ट की ऐसी एक्टिविटी क्यों हो रही. सो हार्ट एक्शन एब्रप्ट, एसएफओटीडा, ओके, मर्क, साइनेटम, नेट्रम सेल्फ. यस, सिफिलिटिक रूब्रिक आपको सिफिलिटिक केसेस में ही यूज करना है, बाकी केसेस में मिलता है तो आप यूज करें. लिंकिंग रूब्रिक. ओके, लिंकिंग रूब्रिक मीन सिमिलर रूब्रिक, जहां आपको समझना है ना, इसी तरह का. हालांकि इसमें कुछ अपन ने ले लिए हैं, बट एब्रप्ट, जहां आंसर एब्रप्टली, कर्टली, ऐसा रूखा रूखा सा जवाब देना है ना, उसने ऐसा जवाब दिया है, यहाँ क्यों खड़े हो, तो है ना, कर्टली, शॉर्टली, आंसर हेस्टीली, टॉक टॉकिंग एब्रप्ट हो गया. इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस, ओके, उसको भी आप एब्रप्ट की तरह वो लगेगा, बट यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर जब भी मुझसे कोई कुछ सवाल पूछ लेता है ना, आई जस्ट इरिटेटेड. तो आपको यहाँ देखना है कि इज इट एब्रप्ट और एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर. The next rubric is abandoned. You can see in the picture. Okay, kya ho raha hai yahan pe? Abandoned. Tyag diya hai, kisi ne chhod diya hai. Okay. Ye rail ki patri par khada hai. Aise bahut sare log aise photo bhi dalte hain, black and white karke. So this is the forsaken feeling somewhere in his or her mind.
Next. So abandoned, feeling of being left alone without help. One left completely and finally, this is a syphilitic miasm. Okay. When someone feel कि मुझे सबने छोड़ दिया है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, एंड ही जस्ट फील अलोन. तो जब जब भी आप लोगों से कट आउट हो जाओगे, आपका कनेक्शन लॉस हो जाएगा, दिस इज सिफिलिस. सिफिलिस मींस आउट ऑफ इंटेंसिटी. तो कनेक्शन लॉस हो गया, इट मींस कट हो गए, है ना, इंटेंसिटी से बाहर चले गए. One left completely and finally this is syphilitic miasm. आज कई लोगों का syphilitic miasm जाग जाएगा. जागेगा नहीं जागेगा? कुछ को psychosis मिल जाएगी और कुछ जाओ कहीं भी, जाओ कहीं भी, पर चैन आराम तो नहीं रहेगा. Patients experience a feeling of being टोटलिटी. आज ही दे देना किसी को लगे तो, शाम तक सबसे अपडेट लेना दोस्तों का, जो सस्पेक्टेड है और सब बढ़िया. नहीं यार, क्या ना एक दवाई है भाई, खा लो बिना पूछे. अ फीलिंग ऑफ बीइंग टोटली गिवन अप और डिल्यूजन लेवल. ओके, इट रिप्रेजेंट द सिफिलिटिक माइज़म. चाहे ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है या दिस इज ओनली हिज डिल्यूजन कि अब मेरा कोई नहीं है. मेनी पेशेंट्स talk to you like this, डॉक्टर साहब परिवार तो अपना बहुत बड़ा है, सारी चीजें हैं, पर अपना कोई नहीं. मन की बात किससे कहें, है ना. So, कई लोग आपको बोलेंगे, अरे यार मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं अपने मन की बात शेयर करूं. दिस इज फोर सेकंड फीलिंग. ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए वो अनाथ हो, उसके लिए उसके अंदर वो फीलिंग होना. There are so many remedies, है ना, but pulsatilla, sorinum, aurum, okay, magnesium, magcar, magmure. जो magnesium group है उसके theme ये है ना. Magnesium group की remedy prescribe ही तब होती है जब किसी के अंदर four second feeling होती है. अरे डॉक्टर साहब ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है, सब वही है ना, कहने को तो परिवार भरा पूरा है, ये चीजें. देन यू शुड यूज सच रूब्रिक. मर्क, ओके, साइक्लामीन, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, प्लेटिना, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, सेपिया, स्ट्रमोनियम, हेलिबोरस. नेक्स्ट, ये सब रूब्रिक्स हैं, रेपर्टरी में लिखे हुए हैं, है ना. आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आने चालू होगा, ठीक है, और आप इनका यूज करते जाएंगे तभी आपको होता ही कि जैसे अब आपको ध्यान आ रहा होगा कई चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा हाँ यार वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, बट जब तक हमें नॉलेज नहीं है तब तक हम उसको यूज कैसे करेंगे, है ना. रूब्रिक ऐसे हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है, केक का सारा रॉ मटेरियल ला दिया और आपसे बोला केक खा लो. इफ यू नो द प्रोसेस, इफ यू नो द आर्ट, तो ही तो बनेगा, नहीं तो क्या होगा. गलत समय पे गलत रूब्रिक तो केक का टेस्ट फॉलोअप पे ही मिलेगा, ठीक है. सो माइंड डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डेजर्टेड फॉर सेकंड. ओके, अब यहां पर उसका इमेजिनेशन है, मींस यहाँ पे पेशेंट इमेजिनेशन करता अकेले बैठ के, है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई नहीं है, है ना, नो वन इज फॉर मी. सो दिस अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑरम, कार्बो एनिमलिस, कैलियम ब्रोमेटम, मैक कार्ब, देखो कार्बन ही कार्बन दिख रहा है अपने को, कार्बोवेज भी है यहाँ पे, प्लेटिना, प्लेटिना आल्सो हैविंग डेजर्टेड फॉर सेकंड फीलिंग, स्ट्रमोनियम, सैम्बिकस,
Next. Forsaken feeling mourning. Okay. डॉक्टर सुबह सुबह मन में बहुत अजीब ख्याल आता है, क्या आता है ऐसा सुबह सुबह तो जब उठता हूं तो ऐसा मन करता है कि दुनिया में कोई अपना है भी कि नहीं. दिस इज द मॉर्निंग फॉरसेकन फीलिंग, है ना. ऐसा मिलता है पेशेंट को, हमें पता होगा तो पूछ पाएंगे, वो बता पाएगा और हम समझ पाएंगे. कार्बो एनेमिलेस, कार्बोवेज एंड लेकेसिस, है ना. अब ये लेकेसिस यहाँ पे मॉर्निंग में इसलिए भी हो सकता है बिकॉज लेकेसिस है भी स्लिप एग्रावेशन, है ना. अब तो सो के उठता हूँ तब तो उसके बाद मन में बहुत खराब विचार आते हैं, क्या आते हैं ऐसे लगता है ये सब परिवार मेरा है कि नहीं है, मेरा दुश्मन तो नहीं है, मुझे चाहता है कि नहीं चाहता है. सो दिस इज द फीलिंग फॉरसेकन, फॉरसेकन फीलिंग इन इवनिंग when husband come too late from office, wife उसको बोल ही सकती है पल्सेटिल है, है ना, हमारा कोई है ही नहीं, so give her pulsatilla, उसका ये forsaken feeling हटाओ. बहुत सारे लोगों के अंदर forsaken feeling है, है ना. एक छोटा बच्चा जो feeding नहीं कर पाता है उसके अंदर भी forsaken feeling आ जाती है. Many child refuse to feed. Instead, mother having good feeding, good lactation, okay, तो भी बच्चा शिकायत करेगी मदर कि बच्चा मुंह में नहीं लेता है निप्पल, है ना. He just refuses. तो लोग बोलेंगे टेस्ट खराब है, ऐसा है वैसा है, but there is a forsaken feeling, okay. Forsaken feeling कैसे आ गई बच्चे में, during and intrauterine life, है ना. Someday mother says, why I have this child? मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए. Forsaken feeling. Forsaken feeling evening, है ना. Baraita car, pulsatilla. Forsaken feeling open air amelioration. Okay. Means forsaken feeling open air में जाने से ठीक हो जाती है. डॉक्टर एक कमरे में रहता हूँ तब तो मुझे बहुत अजीब अजीब से विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं. बाहर जाता हूँ तो ठीक लगता है. रेस्ट ऑफ forsaken feeling sensation of isolation. Okay. मैं दुनिया में अकेला रह गया हूँ डॉक्टर साहब, है ना. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ. अर्जेंटम नेट्रिका, कैनबिस इंडिका, ओके, प्लेटिना एस्ट्रामोनियम. तो आप लोग समझे forsaken का मतलब. वीरेन तुमने तो बहुत सेमिनार अटेंड करी, थक गए हो तुम तो सेमिनार. सो forsaken है ना बहुत कॉमन रूब्रिक है, बहुत सारे छोटे बच्चों में मिलता है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरों के घर भेज दिया जाता है मजबूरी में, उनके स्कूल छुड़ा दिए जाते हैं, फैमिली चेंज हो जाती है, या ओल्ड एज में उन पे पेरेंट को शिफ्ट करने पे या उनकी केयर नहीं होती है, तब उन्हें कई बार forsaken फीलिंग आ सकती है. सुनील को दे दो ना, उसे आते हैं 992626. डिल्यूजन अफेक्शन ऑफ फ्रेंड हैज लॉस्ट, ये लिंकिंग रूब्रिक है ना, जिनमें जो भी forsaken की तरह लगेंगे या उससे रिलेटेड. तो आपको समझना है हमेशा कि लिंकिंग रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक, है ना, इनमें कौन सा एग्जिट होगा. ऐसा नहीं कि हर बार डायरेक्टली आपने forsaken लिया, है ना. जितना आप पर्टिकुलर रूब्रिक ले लोगे आप उतना रेमेडी के पास चले जाओ. एक मेन सोर्स है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे. सपोज जैसे यार उस शॉप पे सारा सामान मिलता है, ठीक है ना, तो उस बड़े रूब्रिक के अंदर तो वो सारी रेमेडी है,
हम उस बड़े रूब्रिक को तब लेते हैं जब हम पर्टिकुलर नहीं ले पाते, बट इफ वी कैन ट्रेस द पर्टिकुलर रूब्रिक तो हमको इन पे कमांड करनी चाहिए और ये उससे रिलेटेड है। तो जब हम ये रूब्रिक देख रहे हैं तो लिंकिंग रूब्रिक्स को भी देखें कि कहीं वो ये तो नहीं है, हम इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। क्लियर? सो डिल्यूजन, अफेक्शनेट ऑफ फ्रेंड लॉस्ट, है ना डॉक्टर, मेरे ऐसा लगता है कि मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए। क्यों, किसी बात नहीं, बात तो होती है कभी कभी, कॉलेज जाते हैं मिलते हुए, बट मुझे लगता कोई मेरा दोस्त नहीं, अब मेरे दोस्त मुझसे छूट गए। जैसे डिल्यूजन अलोन दैट सीज ऑलवेज, मैं हमेशा अकेली रही हूँ, है ना, क्यों पता नहीं ऐसी सिचुएशन रही डॉक्टर साहब की कभी मौका नहीं मिला बट हमेशा अकेले। सो डिल्यूजन अलोन फील्स, अकेला लगता है। डिल्यूजन बिलोंग टू अवर फैमिली डज नॉट, डॉक्टर मुझे ऐसा लगता मेरा परिवार ही मेरा परिवार नहीं है, वही मेरा साथ नहीं देता, अपनापन नहीं लगता है। सो डिल्यूजन ही इज नेग्लेक्टेड, विंडो लगा। डिल्यूजन ही इज नेग्लेक्टेड, मुझे नेग्लेक्ट किया जाता है डॉक्टर साहब, हर जगह नजरअंदाज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोरसेकन, कि मुझे कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता, मैं इन लोगों के लिए वैल्यूज नहीं रखता हूं, है ना। डिल्यूजन रेप्यूडिएटेड बाय रिलेटिव थिंक, है ना, रिलेटिव्स के थ्रू उतना मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है कहीं ना कहीं।